आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखा, यू हैव फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए और बैंक बी दोनों जगह का रेट दे रखा है और क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्पॉट, दो बैंक है, स्पॉट रेट दे रखा है डॉलर CHF, क्या ISO कोड है? यस। और लिखा है 1.4650 1.4655, और बैंक बी का भी डॉलर और CHF। तो सर एक डॉलर मतलब कितना CHF? वन यूनिट किसको माने, वन डॉलर को माने कि वन CHF को माने, ये भी एक दिक्कत है। सर ISO कोड है, कॉमन सेंस लगाना है कि नहीं लगाना? पहली बात तो सर जी मुझे पता ही नहीं है कि CHF बड़ा होता है कि डॉलर बड़ा होता है, कभी कभी डॉलर बड़ा हो जाता कभी, तो ये तो अब यहाँ से तो समझ में आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, 3 मंथ 6 मंथ GBP USD, हाँ पाउंड और डॉलर के विषय में मैं आराम से बता सकता हूँ कि पाउंड हमेशा बड़ा होता है। इट मीन्स यहाँ सीधी बात दिख रही है, वन पाउंड इज इक्वल टू इतना डॉलर, मतलब किसका रेट है पाउंड का, तो ये भी किसका रेट होगा डॉलर का। इट मीन्स इसको देखकर मैंने ऊपर वाले में कॉमन सेंस लगा लिया, तो बैंक का रेट दिया हुआ है। आगे क्या लिखा, आगे लिखा हाउ मच मिनिमम CHF अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन, टू पे फॉर 1 मिलियन GBP स्पॉट। बोले हम लोगों को स्पॉट आज पाउंड खरीदना है तो बताइए कितना CHF पे करना पड़ेगा। CHF और डॉलर का रेट दिया है, डॉलर और पाउंड का रेट दिया, समझदार हो आप अच्छे से। सबसे पहले CHF देख के डॉलर खरीदना पड़ेगा और फिर डॉलर देखकर पाउंड खरीदना पड़ेगा। इट मीन्स क्या क्रॉस रेट से काम होगा? यस। आगे लिखा कंसिडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली, उसके बाद बोले बैंक बी को भूल जाना, बैंक ए की ही बात करना। फॉर GBP CHF मतलब ये CHF मतलब क्रॉस रेट करना पड़ेगा। व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ, बोले 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट निकालिए, क्रॉस रेट 3 मंथ का फॉरवर्ड रेट निकालेंगे सर, और स्पॉट रेट भी निकालिए, स्पॉट रेट भी निकालेंगे, किस किस के बीच में निकालना पड़ेगा, GBP CHF निकालेंगे, क्रॉस करेंसी है काम करो जाए। तो बोले क्रॉस रेट निकालिए, स्पॉट रेट, क्रॉस रेट निकालिए, फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहा जाएगा, स्वैप पॉइंट्स। बोले बस उसी को निकाल, स्वैप पॉइंट्स समझ रहे हो ना, स्पॉट रेट दिया रहता था, स्वैप पॉइंट्स या तो प्लस करते थे या तो माइनस करते थे, फॉरवर्ड रेट निकालते थे। अगर मैं आपको स्पॉट रेट दे दूं, मैं आपको फॉरवर्ड रेट दे दूं, स्वैप पॉइंट्स पूछूं, तो आप तो आराम से निकाल लोगे। तो पॉइंट नंबर बी उसी के लिए, सबसे पहले तो मुझे सर 6 मंथ का दिया ही क्यों है पता नहीं भाई, ये बेकार में दे रखा, 6 मंथ की जरूरत नहीं है सर। तो इसको प्रॉपरली लिख लिया जाए क्या? यस, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूं ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले बैंक ए के भी लिख लेता हूं और बैंक बी का रेट लिख लेता हूं। और सर हम लोगों को लिखना है, ये दिया CHF पर डॉलर दिया है, वैसे तो ISO कोड है पर ISO को हमें नॉर्मल कर लेता हूँ, स्पॉट रेट। CHF पर डॉलर 1.4650 और 55 है तो क्या लिख सकते हैं, 1.4655, ठीक है, ठीक। इसी तरह से 1.4653 और 1.4660, तो CHF देखे क्या खरीदेंगे, डॉलर, और डॉलर देकर क्या, तो पाउंड, तो ये भी लिखना पड़ेगा डॉलर पर पाउंड, स्पॉट रेट है ये भी,
डॉलर पर पाउंड स्पॉट 1.7645 ये लिखा है ना, और 1.7660 ठीक इसी तरह से ये भी 1.7640 और 1.7650 ठीक है। फॉरवर्ड से मतलब नहीं क्योंकि यहाँ स्पॉट ट्रेड की बात करें। चलो जी, सी एच एफ देना है और क्या खरीदना है, हम लोगों को खरीदना है पाउंड। तो सर सबसे पहले हम सी एच एफ लेके जाएंगे और बैंक से क्या खरीदेंगे, डॉलर। तो बैंक डॉलर बेचने को तैयार है, पर एक बात मैंने आपको शुरू से बोल के रखा है, क्या अलग अलग बैंक में अलग अलग रेट हो सकते हैं? यस, अगर किसी बैंक में एक डॉलर, मान लो मन से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, किसी बैंक में एक डॉलर 60 रुपया 50 पैसे का बिक रहा है, तो हो सकता है दूसरे बैंक में वही डॉलर 60 रुपये 75 पैसे का बिकेगा, 70.60.75, तो अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो चलो जी हम पता ही लगा लेते हैं ना, बैंक ए गए और बैंक ए में हमने जाकर पूछा कि डॉलर बेचोगे क्या, उन्होंने कहा हाँ, हमने कहा कितने का, बोले डॉलर बेचेंगे इतने का 1.4655, ये बेचने का रेट है। मैंने कहा मैं बैंक बी में भी पता लगा लेता हूँ, बैंक बी बोलता हम भी डॉलर बेचेंगे लेकिन हम बेचेंगे 1.4660। मैंने कहा वाह यार, मैं बैंक बी से खरीदूंगा ही क्यों, मैं सीधा सीधा किस रेट पे खरीद लूँगा, मैं खरीद लूँगा सर 1.4655 इस रेट पे। क्या खरीदेंगे, सी एच एफ देख के रहो, मेरे पास दो ऑप्शन थे, बैंक ए बैंक बी, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से खरीदूंगा, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा, बैंक ए से 1.4655 में मुझे क्या मिल जाएगा, डॉलर। अब डॉलर देना और पाउंड खरीदना, मतलब बैंक पाउंड बेचेगा, फिर गए हमने कहा पाउंड खरीदना है हमको, तो हम बैंक ए के पास गए, हमने कहा बैंक ए पाउंड कितने में बेचोगे, उन्होंने कहा 1.7660 और यहाँ वाले बैंक 1.7650, तो पाउंड कौन सी बैंक से खरीदेंगे, बैंक बी से। बस इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि पहली बैंक से हम क्या खरीदेंगे, डॉलर बैंक ए से, और फिर डॉलर देकर पाउंड खरीदेंगे कहाँ से, बैंक बी से, तो हम उस हिसाब से क्रॉस रेट निकाल लेंगे और फिर आंसर दे देंगे। सर इसे लिखना पड़ेगा क्या, यस इसे लिखना तो पड़ेगा ही, तो चलो लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिनिमम जीबीपी रिक्वायर्ड टू बाय पाउंड 1 मिलियन। मेरे साथ सत लिखना, पहला डॉट लगा रहा हूँ मैं, डॉलर्स फ्रॉम बैंक ए एट वन पॉइंट 4655। After that, we buy pounds from bank B at dollar per pound.
हैंस वी कैलकुलेट सी एच एफ पर पाउंड. आराम से कैलकुलेट कर सकता है यार, एक पाउंड के लिए कितना सी एच एफ लगेगा, तो वन मिलियन के लिए कितना लगेगा, ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा. ऊपर सी एच एफ होना चाहिए, सी एच एफ है, नीचे पाउंड होना चाहिए, पाउंड है, तो क्या मल्टीप्लाई आ जाएगा, या सीधा 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 आ जाएगा. ये आ गया 1.4655 इंटू 1.7650. चेक करो क्रॉस रेट कितना आ रहा, 1.4655 इंटू 1.7650, तो ये आ गया 2.5866. तो सी एच एफ रिक्वायर्ड पाउंड, 1 मिलियन इंटू पाउंड का ही रेट दिया हो तो मल्टीप्लाई, तो हमें लगेगा मिनिमम सी एच एफ 2586600. आप जीरो हटा के भी काम कर सकते थे मिलियंस में, ठीक है. तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 1, लिख लीजिए, नहीं लिखा होगा तो हो गया, पाउज करके लिख लीजिए. अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2. लिखा कंसिडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली, और अब बैंक बी को सर भूल जाइए, चलो जी भूल गए, बोले सिर्फ बैंक ए के कोट्स को देखिए और बैंक ए ओनली फॉर जीबीपी सीएचएफ, मतलब सीएचएफ पर पाउंड निकालना, व्हाट आर द इम्पैक्ट स्वैप पॉइंट्स निकालना, ठीक है. स्पॉट बेटे देख सुनो मेरी बात को, इन दोनों रेट को लेंगे और इन दोनों रेट को लेकर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा सीएचएफ पर पाउंड. ठीक इसी तरह से 3 मंथ फॉरवर्ड रेट लेना पड़ेगा और उससे भी क्या निकालूंगा सीएचएफ पर पाउंड, और उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस आएगा उसी को आप क्या बोलोगे स्वैप पॉइंट. समझा रहा हूँ ये कौन सा रेट था स्पॉट, ऐसी अब कौन सा रेट लिख लूँ मैं फॉरवर्ड रेट लिख लेता हूँ, स्पॉट रेट हो गया फॉरवर्ड रेट 3 मंथ वाला, यही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट मतलब ये वाला 5 और 10 पैसा क्या प्लस हो जाएगा, यस. तो यहाँ तो आ जाएगा 1.4655 और यहाँ जाएगा 1.4655 प्लस 0.0010 ऐसे यहां का बिल लेते 1.7645 में 25 पैसे माइनस होगा इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो माइनस होगा 7645 माइनस 0.0025 तो ये आ गया 1.7620 और 1.7660 माइनस 0.0020 ये आ गया 1.7640, ठीक है. अब मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लूँ क्या, यस, ताकि मुझे साफ साफ चीज़ें समझ में आए बिल्कुल. और सर जी मुझे क्या निकालना, सर जी आपको निकालना है सी एच एफ पर पाउंड, क्या सी एच एफ ऊपर है, यस. तो ये सी एच एफ ऊपर चाहिए और सी एच एफ ऊपर है, नीचे पाउंड चाहिए और नीचे पाउंड है, तो क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस. तो सीधा सीधा काम कर रहा हूँ, सबसे पहले बात किसकी कर रहा हूँ, स्पॉट रेट 1.4650 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.7645, ये हो गया बिट. आस्क क्या हो जाएगा 1.46, ये डिवाइड वाला नहीं है ये डैश है, इनटू 1.7660
सिक्स जीरो। ठीक इसी तरह से 1.4655 बिट कैसे निकलेगा इनटू 1.7620 दिस बिट और 1.4665 इनटू कर दूंगा 1.7640 ये कौन सा होगा आस्क। चलो जी इसको अच्छे से लिख सकते हैं 1.4650 इनटू 1.7645 तो बिट रेट आ गया 2.5849 को 50 लिख रहा हूँ बिट 1.4655 इंटू 1.7660 तो ये आ गया 2.5881 ये कौन सा हो गया आस्क ये स्पॉट रेट हो गया 1.4655 इंटू 1.7620 तो ये आ गया सर जी 2.5822 और 1.4665 इंटू 1.7640 तो ये आ गया 2.5869 है तो 69 ही लेना पड़ेगा। बस ख़त्म कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्वैप पॉइंट्स फॉरवर्डेड दिया हुआ 2.5822 अभी निकाला है और 2.5869 दिस इज फॉरवर्डेड स्पॉट रेट आपने निकाला है 2.5850 और 2.5881 2.5822 माइनस 2.5850 0.002 2.5869 माइनस 2.5881 0.0012 माइनस का साइन भी है इस मीन्स जो स्वैप पॉइंट्स है वो कितना है 28 और 12 अगर मैं बोलूं तो क्या ये डिस्काउंट है यस इसका मतलब 28 और 12 क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है यस अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो माइनस होना ही होना है तो माइनस का साइन ना भी लगा दिस इज स्वैप पॉइंट्स स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कम है तो स्वैप पॉइंट्स तो माइनस में ही आना चाहिए और माइनस में आया 28 12। ठीक है पॉइंट नंबर 2 में यही चीज़ मांगा था थोड़ा सा बड़ा हो गया कैलकुलेशन पर मैंने पहले भी कहा इसके लिए आपको क्रॉस रेट का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है तभी काम होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में थैंक यू।